क्लासेस साहब, आमिर साहब, ये जो बिजली के बिल्स में तो हमने अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया था, लेकिन जो अब गैस के बिलों में खतरनाक इजाफा हो रहा है, क्या इसका नतीजा निकलेगा? स्टीम जो ये बढ़ती जा रही है, फटेगी? मुझे एक अभी असद उमर साहब को वेलकम करते हैं, उनसे बड़ी तफसील से बात करेंगे, बल्कि मेरा ख्याल इस वक्त अगर कोई गैस प्राइसेस पे कोई रोला डाल रहा है और जो इस पूरे इस इशू को उठा रहे हैं वो असद उमर साहब हैं। बिल्कुल ठीक है। बाकी तो हर तरफ हमें खामोशी, अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है ना, ना किसी को ख्याल है तो ना इन इश्यूज से वो कंसर्न है। मुझे याद आ गया कि इस मुल्क के साथ कि कैसे ऑफिशियल ब्यूरोक्रेसी जो है, वो पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी हो या आपकी आप सिविल हो, ये कैसे कैसे फ्रॉड करते हैं। मैं छोटा सा एक वाक्य सुनाना चाहता हूँ। जब इनका पाक ईरान गैस ये प्रोजेक्ट चल रहा था, वो ने फरमा रहे थे कि हम गैस पाइपलाइन लेके आ रहे हैं, इन्होंने उस वक्त जब डॉक्टर आसिम हुसैन साहब थे और पीपल्स पार्टी थी, जरदारी साहब थे, जो आज बड़ा रोला उनका मैं सुन रहा था, उन खुर्शीद शाह साहब जो उस पर वो नाराज़ हो रहे थे, उस वक्त इन्होंने पाक ईरान गैस के नाम पर एक बिल लाए थे ये पीपल्स पार्टी के, हमने गैस पाइपलाइन बिछानी है, हमारे पास पैसे नहीं है, आवाम देंगे। पाँच साल तक आवाम से गैस वो सरचार्ज का बिल लेते रहे कि ईरान से हमने गैस हमने आनी है, हमने अपनी पाइपलाइन बिछानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। आज तक किसी को नहीं पता कि पाक ईरान वो गैस पाइपलाइन जो थी उसका क्या बना, क्या बना उस पर जो सरचार्ज आपने लोगों से अरबों रुपए इकट्ठे किए, एग्जैक्ट अमाउंट भी बता देंगे, वो पैसा कहाँ पे गया है, वो किधर गया है आपके पास पैसा? अच्छा, सिपैक का इन्होंने हमें बताया कि सिपैक जो है जनाब ये पाकिस्तान के लिए आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, वो एक और उस पर इशूज है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं सारी मुलाजमतें जो हैं, सारा वर्कर जो है तो चाइना से आ रहा है, अभी तक हमें कहीं नजर नहीं आता कि पाकिस्तानी लेबरर को भी वहाँ काम मिल रहा हो, खैर जो भी हो रहा हो। अब हमें बताया गया कि उसकी जो हमने आके सिक्योरिटी करनी है उसका भी ये पैसे सिपैक के भी आपने टैक्स लगा दिया है। आज जो गैस की कीमतें जो मैं पढ़ रहा था, असद उमर साहब का एक उस पर उनका व्यू पढ़ रहा था कि असद उमर ये कहते हैं कि दुनिया भर में गैस की प्राइसेज लोएस्ट हुई हैं, नीचे गई हैं, पाकिस्तान में गैस की कीमतें जो हैं वो 36% बढ़ा दी गई हैं और कहीं से कोई आवाज नहीं उठ रही है। एक एक उसके अंदर मेरे ख्याल असद आप ये में ब्रीफ कर सकते हैं कि एक झटके में 14% गैस 58 रुपए पर यूनिट, ये क्यामत नहीं आम आदमी के लिए तो क्या है, जरा हमें बताए ना इस पे। मैं आमिर इस पे आपको बताता हूँ, लेकिन चले मैं पहले इसका बता देता हूँ। कीमत जो है जी, इन्होंने कुछ जो खास खास अहम जो चीजें, जिस तरह इंडस्ट्री है, सनत है, जिस तरह सीएनजी है, जिस तरीके से पावर प्लांट्स आपके जो बिजली बनाने वाले कारखाने, उनकी तो 36% गैस की इन्होंने कीमत बढ़ाई है, लेकिन औसतन भी जो है वो कुछ 14% से ज्यादा बढ़ गई है। जब से ये हुकूमत आई है उस वक्त से आलमी मंडी में गैस की कीमतें जो है वो आधी से भी कम हुई है। वो क्रूड प्राइस के साथ लिंक होती है, $110 का क्रूड था, आज सुबह $51 का क्रूड था, यानी निस्फ से भी कम है। इसी अरसे के अंदर यही सनत के लिए और पावर के कारखानों के लिए, बिजली बनाने के कारखानों के लिए 67% इजाफा किया गया है।